कानपुर में डेंगू और गंदगी से परेशान युवक ने अधिकारियों और जिम्मेदार नेताओं का ध्यान खींचने के लिए अनोखा प्रदर्शन किया। समाज सेवी कृष्ण कुमार सिंह ने रतनलाल नगर के महादेव नगर कच्ची बस्ती इलाके के एक बड़े से कूड़े के अंबार के सामने बैठकर प्रदर्शन किया। कृष्ण कुमार सिंह ने बताया कि कूड़ा हटवाने के लिए नेताओं से लेकर अधिकारियों तक से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए शनिवार को शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि समाज सेवी ने उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद, महापौर, विधायक, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की फोटो कूड़े के ढेर में रखकर पूजा अगरबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। जो निम्न नेतागण हैं, इनको मैंने आज प्रार्थना करी है, इनको कूड़े के ढेर में मैंने विराजित करके मैं स्वयं भी कूड़े पे बैठा। वो कारण इस प्रकार से रहा कि शहर में आप देख रहे हैं कि कई जगह अवैध रूप से कूड़ा पड़ता आ रहा है और क्षेत्रीय लोगों को और राहगीरों को असुविधा भी हो रही है। डेंगू भी अपने चरम पर है, विभिन्न बीमारियां भी अपने चरम पर है, लोगों को समस्या बनी हुई है। मेरी शासन प्रशासन से यही प्रार्थना है कि वह तत्काल प्रभाव से ये कूड़े को हटाए। और मैं पानी का प्रयोग क्यों किया जी? कारण मैंने इस प्रकार से किया कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ये तो अपना सही तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं और रह रहे हैं, पर ये जो हम लोग हैं, जो जनता है, उनको इन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर रखा है। मैंने इसी रूप में सांकेतिक प्रदर्शन किया है कि इनको शर्म आए। मैंने इसलिए इनको ओडोमास, मच्छरदानी और भी विभिन्न प्रकार इनके चित्र को मैंने भेंट करी।